हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं रवा से बना हुआ एक बहुत ही हेल्दी नाश्ता लेकर आई हूँ। रवा से बना चाहे कोई भी नाश्ता, इसे खाना सभी को बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप रवा से बना कोई हेल्दी नाश्ता खाना चाहते हैं तो आप यह रवा का पैनकेक अपने घर पर बनाकर जरूर ट्राई करें, क्योंकि यह नाश्ता बहुत ही हेल्दी और कम तेल में झटपट से बन जाने वाला नाश्ता है। तो आइए बनाते हैं रवा का नाश्ता। मैंने एक बाउल ले लिया है, उसमें एक कप रवा लिया है और उसमें कुछ सब्जियां को लिया है, जिसमें मैंने एक टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, एक प्याज को कट कर लिया है और एक शिमला मिर्च जिसे कैप्सिकम बोलते हैं उसे भी कट कर लिया है, और थोड़े से धनिया पत्ती को कट किया है और दो हरी मिर्च को कट कर लिया है। इसे मैं अभी साइड में रख दूंगी। सबसे पहले मैं रवा का डोप तैयार करूंगी। मैं इसमें पानी डालकर इस तरह से एक गाढ़ा डोप तैयार कर लेती हूँ। पहले ये रवा के ब्रेकफास्ट खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और हेल्दी भी हैं साथ में। आप इसे जरूर बनाकर खाइएगा। और ये सारे सब्जियां को मैं इसमें मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं इसे 1 से 2 मिनट के लिए ढककर छोड़ देती हूँ। 5 मिनट हो चुकी है, अब मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। ये मुझे थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिला लेती हूँ। ठीक, मुझे ऐसा ही ठीक बैटर चाहिए। बहुत अच्छे बैटर हमारी रेडी हुई है। अब मैं इसमें 1 चम्मच नमक मिला लेती हूँ। देखिए, बैटर हमारी इस तरह से रहनी चाहिए, इतना इतना ही थिकनेस इसमें रहने दीजिएगा। मैंने स्टार्टिंग में इसमें अदरक मिलाना भूल गई थी, इसीलिए अब मैं इसमें थोड़े से अदरक क्रश करके मिला लिया है। ये अदरक हमारी 1 इंच है। मैंने गैस पर कढ़ाई गरम करने के लिए चढ़ा लिया है। अब मैं इसमें इसे बनाने वाली हूँ। कढ़ाई हमारी गरम हो चुकी है। अब मैं इसमें ऑयल, 1 चम्मच ऑयल को इस तरह से लगा लेती हूँ। बस इतना ही ऑयल मुझे लगाना है इसमें। तेल हमारी गरम हो गई है। अब मैं इसमें थोड़े से राई के दाने को डाल लेती हूँ और 2-4 करी पत्ता डाल लेती हूँ। और 2 चम्मच जो मैंने रवा का बैटर बनाया था वेजिटेबल से डाल के, उसको मैं इसमें डाल देती हूँ। डाल करके इसे इस तरह से फैला लेती हूँ। इसे 2 मिनट के लिए ढककर कुक होने देती हूँ।
देखिए वन साइड कितने अच्छे से कुक हो गई है। अब मैं इसे पलट कर दूसरे साइड भी पका लेती हूँ। ये कितने अच्छे से निकल गई ना हमारे नाश्ता रवा के। अब मैं इसे पलट लेती हूँ। ये कितने अच्छा दिख रहा है ना, क्रिस्पी भी बने हैं। इधर से भी ढककर 2 मिनट के लिए मैं इसे कुक कर लेती हूँ। दोनों साइड से हमारे ये रवा के नाश्ते कुक हो गए हैं। कितने अच्छे क्रिस्पी क्रिस्पी बने हैं, कितने अच्छे दिख भी रहे हैं। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब मैं इसमें थोड़ी सी ऑयल डाल लेती हूँ। तो पहले वाली की तरह मैंने इसमें थोड़े से इस तरह से मस्टर्ड ऑयल को डाल दिया है, जिसे मैं राई बोली थी, और 4-5 करी पत्ता को फिर से डाल दिया है, और 2 चम्मच बटर इसमें डाल लेती हूँ। इस तरह से फैला लेती हूँ। फैला करके ढक कर पहले वाले नाश्ता की तरह इसे भी कुक कर लेती हूँ। बहुत ही टेस्टी हमारे नाश्ता बने हैं। अब मैं दूसरे वाले नाश्ता को भी थोड़ा से पका लेती हूँ। ध्यान रहे, जब भी आप यह सूजी का नाश्ता अपने घर पर बनाएं, तो आप ताज़ा दही का इस्तेमाल करें और सूजी के बैटर को गाढ़ा ही बनाएं, क्योंकि अगर बैटर गाढ़ा रहेंगे तभी इसके पैनकेक आसानी से बनेंगे। और बैटर को पैन में डालने के बाद इसे धीमी आंच पर केवल 2 से 3 मिनट तक ही तो ये जलने लगे। तैयार है हमारे रवा के टेस्टी। आपको ये रेसिपी कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर। और ऐसे ही अन्य रेसिपीज के लिए आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर से करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।